Yes, sir. Please give a short introduction of yourself. My name is Sandeep Kumar. I belong from the state of Haryana. My job, my education qualification is the B.Tech in the Computer Science Engineering from the Kurukshetra University. And my father is the junior engineer in the BSNL and my mother is the housewife. My hobby is the drawing and my major achievement is the achieve the first position in debate in my college life. First position in debate? Yes, sir. So, let us tell about something about the operating system. Operating system is the software, sir. Its major work is the What is interface? क्या सर? Interface मतलब दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस किया था. It may have human interface also. Yes, there sir. Software, human interface as well. Software और हार्डवेयर दोनों में इंटरफेस होता है. और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम दो हार्डवेयर में इंटरफेस करते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम इंटरफेस करते हैं. What is blockchain technology? Blockchain technology डाटा सेविंग के लिए काम आती है सर. डाटा सेविंग? डाटा स्टोरेज के लिए भी. स्टोरेज? यस सर. कहाँ यूज होता है इसका? इसका हम यूज कर सकते हैं जैसे कंपनी का किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए. ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा एक्चुअली गुजरात में एक नेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज सर, वहाँ पे हमने किया है, जो हम फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे. मतलब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. यस सर. यस सर. इसमें होता क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा चर्चित है? एक्चुअली एक तो इसकी सर एफिशिएंसी ज़्यादा है, डाटा को सिक्योर कर सकते हैं हम, और डाटा लार्ज अमाउंट में डाटा को हम एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं. यस सर. यस सर. पढ़ा है आपने? आप गेस कर रहा हूँ. एक्चुअली मैंने पढ़ा है सर. पढ़ा है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा याद है, उसी लेवल पे बात कर रहा हूँ. गेस कर रहा हूँ सर? नहीं, गेस नहीं कर रहा. मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था जब बजट आया था. क्या सर? वो तो एक अलग चीज़ है. हाँ, तब ये तीन चार टेक्नोलॉजी के बारे में बजट में काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया गया था. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग, ये अभी ध्यान नहीं है. नहीं सुना आपने? नहीं सुना है मैंने, ये अभी तैयार नहीं किया है. नहीं बता. इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? क्या सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करके मशीन इंटेलिजेंस यूज किया जाए. ह्यूमन को रिप्लेस करके मशीन की इंटेलिजेंस को यूज करना. आर मशीन कैपेबल ऑफ थिंकिंग? जैसे कि सर ऑटोमेटिक डोर ओपन होना सर, जैसे कि और क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हम रोबोट्स बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं. हाँ सर. आर दे कैपेबल टू थिंक? सर रिस्पॉन्स कर सकते हैं वे, जैसे कि हम डिफेंस में रोबोट का यूज कर सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं. दे कैन लर्न, कैन दे लर्न, आर दे एबल टू लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट? ह्यूमन बीइंग डज? नहीं, इतना नहीं पता सर. नहीं पढ़ा आपने? नहीं. क्योंकि आपको ये आपने बीटेक ही किया इसी में ना? यस सर. बीटेक किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने किया? यस सर. What is World Wide Web? World Wide Web सर? क्या होता है WWW? क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? यस सर, सॉफ्टवेयर है ये. बस इतना. गूगल क्या है? गूगल एक साइट है सर. साइट है? यस सर. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
नहीं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो सारा साइट ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी होता है, सबको कहेंगे क्या? गूगल इज सर्च इंजिन। गूगल इज सर्च इंजिन नहीं, नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने इतना नहीं पढ़ा क्योंकि तो जाते रहे। ये बताइए, नंबी नारायण का नाम सुना है? क्या सर? नंबी नारायण। नंबी नारायण? नहीं सर। GSLV टेक्नोलॉजी क्या है? GSLV जियो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सर। क्या है ये? जियो सिंक्रोनाइज सर, ये हमारे ऑर्बिट है जो इक्वेटर के चारों तरफ जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं उसके चक्कर लगाती हैं, तो उसे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी है। जीएसएलवी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? वेदर और कम्युनिकेशन के लिए सर। अच्छा, ये बताइए कि पैरामिलिट्री फोर्स कैसे कहते हैं, कुछ आइडिया? पैरामिलिट्री फोर्स सर जो सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है सर, ये एक्चुअली होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। कौन सी है? जैसे कि CRPF है, CISF है, BSF है। फिर CAPF कैसे कहते हैं? CAPF। मैं पूछ रहा हूँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स क्या है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्या है? एक्चुअली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर ये सब आती हैं। और पैरामिलिट्री के अंदर कौन? पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर ये भी आ जाता है, आसाम राइफल। देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, सेंटर की है कि स्टेट की है? दोनों की सर। लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। लॉ एंड ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? अगर स्टेट गवर्नमेंट उसे हैंडल नहीं कर पा रही है तो सेंटर को रिक्वेस्ट करेगी। अच्छा। और वो अपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भेजेगी। मान लो कि स्टेट में स्थिति खराब हो जाए और स्टेट ने सेंट्रल से रिक्वेस्ट नहीं किया कि उसे कुछ फोर्स दी जाए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने आप सो मतलब फोर्स लगा सकती है स्टेट? नहीं सर, नहीं लगा सकती। नहीं। नक्सलवाद भारत में जो आज की डेट में नक्सलवाद है उसमें कौन कौन से संगठन हैं सक्रिय, इसी के बारे में कुछ संगठनों का नाम, नक्सल संगठन का नाम जानते हैं? नक्सल ऑर्गेनाइजेशन? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। नहीं। नक्सलवाद से कौन कौन से राज्य भी प्रभावित हैं? सबसे ज़्यादा है झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भी। वेस्ट बंगाल में वेस्टर्न साइड सर, जो इनके जो बॉर्डर एरिया हैं इनके झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ। वेस्ट बंगाल के साथ? यस सर। ये तो नहीं पता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सुना है? यस सर। इसके तहत फोर्सेस को क्या पावर मिलती है? इसके साथ इसके अंदर अगर कोई भी आदमी को किल करती है तो उसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते, और दूसरा कि इसके अंदर उनको ज़्यादा छूट होती है, आपको रात को सर्च कर सकते हैं किसी भी एरिया को, और दिन में सर्च नहीं कर सकते? दिन में भी सर्च कर सकते हैं। बताइए, आपने 2013 में बीटेक किया है? यस सर। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। UPSC तैयारी कर रहे हैं? यस सर। और CAPF एग्जाम आपने दिया 2017 में? यस सर। बट सिलेक्शन नहीं हुआ प्रिंस, नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप लगता है आपको स्कोर लग रहा है, आपको 6 साल मिल जाएगी सिर्फ रिटर्न एग्जाम को लिखा करने में? नहीं सर। क्यों? तो काफ़ी इम्प्रूव किया है इसके बारे में, अभी एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो काफ़ी। छः साल? हाँ ये तो है थोड़ा। एक्चुअली सर मुझे कुछ सब्जेक्टों में काफ़ी वीकनेस थी, जैसे कि राइटिंग थी सर और इंग्लिश, ये काफ़ी मेजर मेरी वीकनेस रही थी सर। नहीं, एक्चुअली PCSD हिंदी मीडियम था सर।
और पी एस डी मॉडर्न आपका इंग्लिश मीडियम था सर। तो आपके फादर तो जेई हैं, लाइक एजुकेशन दिया सर, तो आपको क्यों? एक्चुअली हम गांव में ज़्यादा रहते थे सर, तो वहाँ से बाद में फिर हांसी गए, तो उन्होंने बाद में मुझे फिर इंग्लिश मीडियम में डाला, क्योंकि दूसरे बच्चे भी वहाँ से ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने लग गए, तो तब उन्होंने किसी के कहने पे मतलब बात की उन्होंने कि भाई क्या अच्छा रहेगा, तब उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला। COLLEGE एक्चुअली CRPF में सर मूवमेंट जॉब होती है सर, और फैमिली सिक्योर थोड़ी मतलब फैमिली के साथ नहीं रह सकते हम पहले 5-10 साल। और दूसरी सर CRPF में मतलब दूसरों की कंपेयर में इसमें थोड़ा बहुत प्रमोशन भी स्लो है, इसीलिए सर ज्वाइन करूँगा सर। एक्चुअली 6 साल में क्लियर हुआ है तो ज्वाइन करना पड़ेगा।